अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसे पे बेच सकता है. He can charge different customers different amount or different prices for the same good, जिसको कि हम price discrimination बोलते हैं. Hello everyone, welcome to Plutus IAS. Guys, हम लोग microeconomics optional में पास्ट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं. आज इस सीरीज का फोर्थ पार्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन 2010 में आया था एंड द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो सप्लाई कर्व डिराइव्ड बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट कर्व्स इन अ मार्केट अंडर मोनोपोली मे गिव मोर देन वन प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड मोर देन वन क्वांटिटी फॉर सेम प्राइस. और इस चीज को हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. लेकिन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, पहले उसको देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं. ये कह रहा है कि अ सप्लाई कर्व, सेम क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट है, तो पहले इसको कर लेते हैं फिर उसे करेंगे. इट इज सेइंग अ सप्लाई कर्व इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ मार्केट अंडर मोनोपोली. कि आपका सप्लाई कर्व यूज नहीं होता है कब, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में मार्केट में मोनोपोली में. ऐसा क्यों, क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, तो जरा समझिए. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट वी डू नॉट यूज सप्लाई कर्व टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली. व्हाई सो, ऐसा इसलिए होता है. अगर मैं जनरली बात करूं सप्लाई कर्व की, तो हमें सप्लाई कर्व से मिलता क्या है, हमें एक्चुअली सप्लाई कर्व से पता चलता है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. यस और नो, राइट, दैट्स व्हाट सप्लाई कर्व गिव्स अस. लेकिन मोनोपोली क्या है, मोनोपोली में तो क्या प्राइस होगा या कितनी क्वांटिटी सप्लाई होगी, वॉट एवर विल बी द प्राइस एंड वॉट विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, ये तो मोनोपोलिस्ट कंट्रोल करता है. राइट और नॉट, ये सारी चीजें मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है कि कितना प्राइस होगा, किस कस्टमर से कितना लिया जाएगा, यानी वो एक ही गुड को अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसे पे बेच सकता है. ही कैन चार्ज डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड, जिसको कि हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. सो ये पावर जो कि मोनोपोली पावर है, आउटपुट डिसाइड करना, प्राइस डिसाइड करना, ये सारी चीजें दे लाई इन द हैंड ऑफ मोनोपोलिस्ट. सो हियर मोनोपोलिस्ट हैज मोनोपोली पावर, ऑल्सो ही हैज गॉट द टूल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये दोनों चीजें मोनोपोलिस्ट के पास है. तो जब मोनोपोलिस्ट डिसाइड कर रहा है प्राइस, मोनोपोलिस्ट डिसाइड कर रहा है क्वांटिटी, तो फिर हम कैसे कोई रिलेशन बना सकते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. इसलिए इन द केस ऑफ मोनोपोली वी डू नॉट यूज सप्लाई कर्व. क्या ये क्लियर हुआ, राइट? क्योंकि हमारा, अगर आप शॉर्ट में इसका एक और वर्ड कीवर्ड यहां पे लिखना चाहें, सो हियर मोनोपोलिस्ट इज एक्चुअली अ प्राइस मेकर. ही मेक्स द प्राइस, वो डिसाइड करता है प्राइस. He is not the price taker. So when he is not the price taker, उसके लिए आप supply curve कैसे बना लेंगे? समझ में आ गया? अब हम लोग question के second part की तरफ आते हैं. ठीक है? Second part हमसे क्या कह रहा है? Supply curve derived by using relevant cost curves in a market under monopoly may give more than one price for different quantities and more than one quantity for the same price. तो जरा देखिए, पहले हम monopoly में का जनरल कर्व बना लेते हैं, उसके बाद ये जो कंडीशंस दी गई हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट मोनोपोली, तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है जो कि डिमांड कर्व भी होता है, राइट? ये हमारा एमआर कर्व होता है, मार्जिनल रेवेन्यू. बोलिए, ये मेरा एमसी कर्व है. ठीक, जिस पॉइंट पे MC और MR इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाती है. ऑब्वियसली यहाँ पे हम प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं, ये हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई. इसको ऊपर की तरफ हम अगर एक्सटेंड कर दें
और जहां पर ये एवरेज रेवेन्यू को कट करता है वहां पर हमें सेलिंग प्राइस या पी मिल जाता है। ठीक है, बोलिए इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात करता हूं, हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है दो कंडीशंस को। पहला है कि इसको ले लेते हैं वन क्वांटिटी फॉर सेम प्राइस, मोर देन वन क्वांटिटी फॉर सेम प्राइस, और दूसरा है एक ही प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज, एक एक करके करते हैं। तो पहला क्या है, वन क्वांटिटी एंड मोर देन वन प्राइसेस, मोर देन वन प्राइसेस, तो हम लोग टू प्राइसेस ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, एक क्वांटिटी होगी और टू प्राइसेस होंगे। चलिए कर्व बनाते हैं, अपना जनरल मोनोपोली का कर्व बनेगा, ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, राइट, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ MC एंड MR आपको क्वांटिटी दे देगा Q, और इसका इंटरसेक्शन ऊपर प्राइस के साथ आपको प्राइस दे देगा। मान लेते हैं ये प्राइस P1 है, AR के साथ आपको प्राइस दे देगा। अब वो क्या कह रहा है, क्वांटिटी सेम रखनी है, क्वांटिटी सेम रखनी है, लेकिन प्राइसेस दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको अगर ऊपर एक्सटेंड करें, देखिए शॉर्टकट सीख लीजिए, इसको आप ऊपर एक्सटेंड करें और इंटरसेक्शन इसका जहां पर हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू के साथ, वही हमारा प्राइस होगा। एक आप एवरेज रेवेन्यू की लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसको AR1 बोल दीजिए, ये एवरेज रेवेन्यू की सेकंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे AR2, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इस जगह पे दूसरा प्राइस P2 मिल गया। बोलिए ठीक है ना? और दूसरी बात ये है, इसलिए अगर इसके लिए एवरेज रेवेन्यू अलग आ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटरसेक्शन होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के साथ, तब आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है और हमें क्वांटिटी सेम रखनी है। तो अब हम नया मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बना लेंगे, इसको MR2 बोल दीजिए, और देखिए ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट के साथ। सो वन क्वांटिटी टू प्राइसेस, समझे? ठीक है, अब बात करते हैं वन प्राइस एंड टू क्वांटिटी इन मोनोपोली। एक ही प्राइस पे दो क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी, ये भी मोनोपोली में पॉसिबल है, देख लीजिए, है ना, अपना प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सारी चीजें। ये रहा मेरा AR कर्व, ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, मार्जिनल कॉस्ट का इसके साथ, तो ये हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे देता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड करूं तो ये इंटरसेक्शन है एवरेज रेवेन्यू के साथ, ये प्राइस पी हो जाएगा। ओके, अब वो कह रहा है कि प्राइस हमें सेम रखना है, फॉर द सेम प्राइस हमें अलग अलग क्वांटिटीज मिल रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इस प्राइस को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, इसको आगे की तरफ जो हमने एक्सटेंड किया, तो देखिए डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरसेक्शन होना चाहिए। देखिए प्राइस सेम है, AR के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन MC और MR का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये मेरा MC कर्व है। अब इसके लिए अगर मैं एक अलग MR कर्व बना दूं, अगर मैं इसको MR1 बोलूं, और इसके लिए एक ये मैंने MR कर्व बनाया, ये देखिए, ठीक है ना, ये करस्पॉन्ड कर रहा है इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी हो गई Q2। ठीक है, और MR कर्व अलग बनाया तो एक AR कर्व भी इसके लिए अलग बन जाएगा, ये देखिए, गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, इट इज पॉसिबल, और हमने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट वर क्लियर। थैंक यू गाइस।
Thank you.